नमस्कार, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपके बीच। आपको याद होगा कि मैंने पिछले सप्ताह अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी और उसमें जो उसका अंतिम पार्ट बचा था कि हम उसके रिपोर्ट्री पर आपसे चर्चा करेंगे। तो रिपोर्ट्री पर चर्चा करने से पहले आप सब अपनी पुस्तक अगर आपके पास है तो खोल कर बैठ सकते हैं, जिसका पेज नंबर 168 यानी 168 जिस पर हमने रिपोर्ट्री चार्ट को बनाने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया। आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें कई पेज लिए हैं और रोग हमारे, हमने कुछ रोगों की एक संख्या सीमित की है, लेकिन हमने जो कई पेज लिए हैं वो हमारे 38 दवाओं तक जाकर के पहुंच रहे हैं, जिसमें हमने CNS से शुरू किया है और यश 12 तक पहले पेज में है, फिर C14 तक दूसरे पेज में है, फिर तीसरे पेज में हम पहुंचे हैं वर्वन तक और लास्ट पेज में हम पहुंचे हैं यश स्लास तक, L3 और यश स्लास। उसके पहले APP है, उसके पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों का चयन करने से पहले आपको शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर के अंगों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये 38 औषधियाँ शरीर के 38 सिस्टम या 38 विशेष अंगों की तरफ अपना इशारा करती हैं और इन अंगों की चर्चा एक बार हम आपसे फिर से कर लेते हैं। हमारे जो नए साथी हैं या जो नहीं सुन पाए हैं या नहीं समझ पाए, पहले मैं उनको एक बार बता देता हूँ। हमारी यश1 है, हमारे ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड पर कार्य करती है, L2 हमारी जो है, ये L1 हमारी ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड पर कार्य करती है। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हमारे, चाहे वो पाचक ग्लैंड्स हो या हमारे एसेसरी ग्लैंड्स हो, सब पर L1 का प्रभाव होता है। A2 हमारी आर्टरीज के लिए है, A1 हमारी आर्टरीज के लिए है और A2 हमारी वेंस के लिए है। A3 हमारे हार्ट, ब्लड और वैस्कुलर सिस्टम पर अपना प्रभाव दर्शाती है। F1 इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें, P1 है, दरअसल वो टाइपिंग मिस्टेक है। P1 हमारी ब्रोंकियोल के लिए है, मैं इसको तुरंत भी सही कर ले रहा हूँ, ये P1 है। P1 हमारी ब्रोंकियोल के लिए है, P2 हमारे लंग्स के लिए है स्पेशली, यानी लंग्स में अगर कोई दिक्कत है या लंग्स की तरफ कोई इशारा हो रहा तो आप P2 का चयन तत्काल करेंगे। P3 हमारी ट्रेकिया के लिए है, P4 कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंगित करता है, F1 हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, F2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, V1 लैक एंड स्टिमुलेट ग्लैंड। हमारे एक साथी ने पूछा था लैक एंड स्टिमुलेट ग्लैंड का क्या तात्पर्य होता है। लैक मीन कम होना एंड स्टिमुलेट मीन निकलना। जब कोई ग्रंथ अपने स्राव कम करती है या ज्यादा करती है, उन दोनों के प्रभाव पर हमारा V1 का इफेक्ट होता है, इसलिए उसको हमने लिखा लैक एंड स्टिमुलेट ऑफ ग्लैंड ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनमें से स्राव का या सीरम का या उस प्रकार के रस का कम निकलना या ज़्यादा निकलना, उन दोनों क्रियाओं पर नियंत्रण V1 का होता है। V2 जो है अदर ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो पाचक ग्रंथियों के अतिरिक्त तमाम ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जैसे हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में लगे होते हैं, उनसे निकलने वाले जो पाचक रस हैं उसके लिए हमारा V2 कार्य करता है। यश1 हमारे माउथ, थ्रोट, सेलेवरी ग्लैंड और गट जो हमारा होता है वहाँ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। इस गट में कट लिखा हुआ, कृपया आप उसको संशोधित कर लें, मैं आज इसको भी सही करता चल रहा हूँ आपके साथ में ही, यानी माउथ, थ्रोट, सेलेवरी ग्लैंड्स एंड ऑल गट्स। यश2 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पर, एसेसरी ऑर्गन पर, गल ब्लेडर पर, यूरिनरी ब्लेडर पर और मेमोरी ग्लैंड पर, इन इतने अंगों पर यह अपना पूरा प्रभाव दर्शाता है। जहाँ तक यश2 की बात है, यश3 की बात है, ये स्पेशली तो टेस्टिकल्स के लिए है लेकिन स्किन पर भी इसका प्रभाव अच्छा देखा गया है। यश5 स्किन, लीवर, स्प्लीन, मोटेरियल नर्व्स पर। हमारे शरीर में दो प्रकार की नर्व्स हैं, एक मोटर नर्व है और एक सेंसरी नर्व है, तो मोटर नर्व पर या मोटेरियल नर्व जितनी भी है उन पर इसका कार्य देखा गया है। यश6 स्पेशली किडनी के लिए है, यश10 स्टमक ग्लैंड और नर्वस सिस्टम के लिए है। आपकी बुक आपके सामने और मैं उसी बुक से संशोधन, चूंकि बुक मैंने हाथ में इसलिए लिया है कि इसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो तत्काल आपको ही बता दूं और मैं उसका संशोधन भी कर दूं। हमारा यश
11 ये बैकस नर्व के लिए, बैकस नर्व आपको पता है वोमिटिंग के लिए या सिर चक्कर आने के लिए या सर चकराने के लिए ये वैगस नर्व इसका कंट्रोल करता है। यस 12 स्पेशली आई के लिए है और आई से संबंधित सभी तंत्रिकाओं के लिए है, आई में आने वाली सभी परेशानियों के लिए यस 12 याद किया जाता है। C1 ये प्यूटेटरी ग्लैंड और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अपना स्पेशल प्रभाव दिखाती है, और C1 चूंकि प्यूटेटरी ग्लैंड की दवा है और प्यूटेटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इस नाते हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण C1 का होता है। इसीलिए महिलाओं में विशेष करके हम C1 देते हैं और पुरुषों में भी अगर हमको कोई दवा समझ में नहीं आ रही कि हमारी दवा ये काम नहीं करे तो वहाँ पे हम C1 जैसे ऐड करते हैं तैसे उसका प्रभाव हमको दिखाई पड़ने लगता है। C2 हमारी यूरिनरी ब्लैडर पर, स्पेशली गाल ब्लैडर पर, जैसे हमने S2 के बारे में आपको बताया कि S2 आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एसेसरी ग्लैंड पर, गाल ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, मेमरी ग्लैंड पर होता है, उसी तरीके से उसका चूँकि वो आपकी ये टिश्यू मेडिसिन है इस नाते टिश्यू पर भी इसका हमारा यूरिनरी ब्लैडर और गाल ब्लैडर पर ये काम होता है। C3 हमारे टेंडन्स पर, जेलेटिनस टिश्यू पर और कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड और लिम्फ पर इसका प्रभाव देखा गया है, देखा क्या गया है बिल्कुल सटीक है। C4 बोन कट एंड हार्ड कार्टिलेज, जहाँ पर भी शरीर में हमको कड़ापन नजर आता है, जहाँ पर ठोस बन जाता है, दबाने पर वो दबता नहीं है, हमको मांस का टुकड़ा सॉलिड नजर आता है, वहाँ उन अंगों को गलाने के लिए, कम करने के लिए, या हड्डी में या दांत में या कहीं जोड़ों में हमें कोई दिक्कत हो रही तो वहाँ पे हम C4 का उपयोग करते हैं। आमतौर से साथी लोग पूछते हैं जब फोड़ा कड़ा हो जाता कहते हैं कौन सी दवा दें, और अगर मैंने कहा उसमें C4 जोड़ दिए तो चौंक जाते हैं। मैंने आपसे बता दिया कि जहाँ पे भी हार्डनेस हो, कड़ापन हो, वहाँ पे आप C4 का प्रयोग जरूर करें। C5 ये वेंस के लिए है, C6 किडनी के लिए है, C10 इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर और पैंक्रियाज के लिए है, C15 स्टमक के लिए है और C17 यूरेथ्रा के लिए है। ये इतनी दवाओं के बाद ये विभिन्न आर्गन्स के लिए हैं। अब चर्चा हम कर सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या रोल है। RE हमारे बॉडी के हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है और उस पर्टिकुलर एंजाइम्स या उन दवाओं के क्रियाविधि को या उनके मोटिवेशन को भी इंक्रीज करती है, और YE उसी का ठीक उल्टा हमारे सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो बढ़े हुए उनको कम करती है, या हमारे जो औषधियां या एंजाइम्स दी जा रही हैं उनकी क्रियाओं को भी स्लो मोशन में पहुंचाती है हमारे टारगेट सेल तक। B ये ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में प्रॉपर बनाए रखने का काम करती है। अगर ब्लड कहीं रुक रहा है और B का प्रयोग आपने किया है तो ब्लड का संचार वहां से तेजी से होगा। WE ये RE और YE को मेंटेन करती है, यानी RE के फंक्शन को और YE के फंक्शन को, RE तेज करता है, YE कम करता है। तो जब हम WE देते हैं, अगर किसी आर्गन का फंक्शन तेज या कम हमको ज़्यादा लग रहा है और हमको उसको सामान्य बनाना है तुरंत, तो वहाँ पर हम WE देते हैं, यानी ना घटाना है ना बढ़ाना, हमको सामान्य में ही बनाए रखना है तो हम WE देते हैं। WE हम वहाँ भी देते हैं जहाँ पर हमारे शरीर की गतिविधियाँ, किसी विशेष अंग की गतिविधियाँ अनावश्यक अप डाउन कर रही हैं, जैसे कॉलरा में है, डायरिया में है, वहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन की जो क्रिया विधि है वो अप डाउन करती रहती है, कंस्ट्रक्शन होता रहता है, सिकुड़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, वोमिटिंग होता रहता है, जी मचलाता रहता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अपने आप में डिसबैलेंस रहता है, तो वहाँ पे हम WE का प्रयोग करते हैं। GE हमारे नए सुनने वाले साथी इस पर ध्यान दें, पस टेंडेंसी को रोकना ये GE का काम है, यानी WBC को अत्यधिक मात्रा में कहीं भी इकट्ठा ना होने देना या WBC को अधिक बनने से रोकना, अगर आवश्यकता अनुसार कहीं पर पस बन रहा है, रेडनेस किसी घाव में है और अगर वो रेडनेस धीरे धीरे पस की ओर बन रहा तो वहाँ पे हमको GE देने देना है। अगर ताजी चोट लगी है कहीं पर तो वहाँ पे तो हम GE ना दें, लेकिन अगर ऐसा कोई चोट वाला रोगी आपके पास आता है जिसका फोड़ा या फुंसी 10 दिन 15 दिन हो चुका है तो इसका मतलब कि पस टेंडेंसी वहाँ शुरू हो गई है, पस बनना शुरू हो गया, तो आपको वहाँ पे BE के साथ GE भी देना है। ड्रेसिंग मटेरियल के लिए भी BE और GE का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अगर नए हैं तो भी जान लें कि अगर कोई घाव है और उस घाव पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जो ड्रेसिंग मटेरियल है आप कॉटन में भिगो करके BE और GE को बराबर मात्रा में रख करके और कॉटन भिगो करके अगर आप घाव पे रख देते तो घाव आपका जल्दी सूख जाएगा, केवल उसमें यस्फाई पाउडर डाल दिए ताकि उसकी उसका पेन भी सामान्य रहे। अगर कोई फोड़ा फुंसी वायल कोई सूज रहा है वहाँ पर आप यस्फाई और BE
मिला करके रख देंगे तो वो फोड़ा सब्साइड कर जाएगा। यस फाइव की कम से कम मात्रा अगर आप देते हैं तो फोड़ा आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आपका बचता है एपीपी। एपीपी आपका स्किन के धब्बों के लिए या स्किन की सुंदरता के लिए होता है। यस लास लग्जेटिव मेडिसिन है जो हमारे एलिमेंट्री कैनार के आगे रेक्टम को या मलाशय को साफ करने का काम करती है, बड़ी आंत को शुद्ध करने का काम करती है। ये हमारी औषधियाँ जो हमने आपको ऑर्गन वाइज इस किताब के माध्यम से भी आपके पास पहुँचा और जो साथी अभी पुस्तक नहीं ले पाए हैं उनके लिए भी मैंने जानकारी दी। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि हम रिपोर्टरी कैसे बनाएं। हमारे पास कोई रोगी आया है, हम उसकी दवा को सेलेक्ट कैसे करें, यही हमने बताने का प्रयास किया है। हमने दवाओं के आगे कुछ विशेष रोग लिख करके आपको एक मदद दिया है। चूँकि अब रोगों की संख्या ज़्यादा है और हर रोगों के लिए रिपोर्टरी अभी मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ। जितने मैंने रोग बनाए हैं उनकी रिपोर्टरी मैं तैयार करके उसको चेक कर चुका हूँ। जैसे मैं एक रोग आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। हमारी रिपोर्टरी में पहला है एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट का मतलब कि ऐसी औषधि जो कफ को बाहर निकालने में, खांसी को रोकने में सहायक हो। अब रोगी कंप्लेंट अगर ये आती है कि उसको कफ ज़्यादा हो रहा है, खांसी ज़्यादा आ रही है और कफ निकल नहीं रहा है, तो वहाँ पे आपने, अब आप इस चार्ट को देखें, हमने C13 के नीचे ब्लैक स्पॉट दिया है, फिर आगे हमने F1 के आगे ब्लैक स्पॉट दिया है, फिर हमने P4 के आगे ब्लैक स्पॉट दिया है। अगर आप स्पेक्टोरेंट को पहले पेज से देखना शुरू करें तो हमने S10 के सामने भी ब्लैक स्पॉट दिया है, फिर पेज नंबर 4 पर भी हमने GE पर ब्लैक स्पॉट दिया है। अब आप ये सारी दवाइयाँ एक साथ देखिए, S10, C13, F1, P4 और G, यानी पांच औषधियाँ ये एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। कफ को बाहर निकालने वाली, खांसी को कम करने वाली, जमे हुए बलगम को बाहर निकालने वाली। जब रोगी इस प्रकार की शिकायत करता है तो रोगी के दशा के अनुरूप आपको इन पांच दवाओं का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। अब इन पांच दवाओं को आप देंगे कैसे? S10 के साथ आप सीधे क्या जोड़ देंगे? C13 और P1, और P4 के साथ आप G जोड़ देंगे। जैसे ही आप F1 के साथ P1 को जोड़ते हैं, कफ का निकलना बाहर की ओर शुरू हो जाता है। और जी क्या काम करता है? जी हमने कहा कि पस टेंडेंसी को या WBC को बनने से रोकता है। तो जितना कफ हमारे फेफड़े में बना हुआ है वो कफ जी को बाहर फेंकेगा और आगे वाले फेफड़े को सुरक्षित रखेगा, वहाँ पे नए कफ बनने से रोकेगा। ये हमारे जी का काम होता है। अब आपने सिलेक्शन कैसे किया इस रिपोर्टरी का, इन दवाओं का? रोगी जब आपसे शिकायत करता है कि हमको खांसी आ रही है, हमको कफ नहीं निकल रहा, गले में हमारे खराश हो रही है, कफ हमारा बार बार रुक रहा है, तब आपको पता चल जाता है कि कफ के बनने में और रुकने में कौन कौन से अंग हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहला अंग आपका ट्रेकिया, P3 हो गया। लंग्स आपका P4 कवर करेगा, P1 कवर करेगा, ब्रोंकियोल के साथ P1 कवर करेगा। और जी आपकी पस टेंडेंसी को रोकेगा। ये आपको जब आप जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से शरीर के अंगों की क्रियाविधि को समझे होंगे तो आपको तत्काल रोगी की शिकायत पर इन अंगों पर आपका ध्यान चला जाएगा। और जैसे ही आप इन अंगों को उठाएंगे, आपसे एक निवेदन ये है कि आप अपने टेबल पर अंगवार मेडिसिन का चार्ट बना के रख लीजिए। और जैसे ही आप उन अंगों के आगे मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे वैसे आपकी रिपोर्टरी चार्ट में आपकी दवाएँ उठ करके आ जाएंगी। रिपोर्टरी चार्ट आपकी प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस यानी धीरे धीरे अनुभव के आधार पर आप स्वयं रिपोर्टरी करना सीख जाएंगे। ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है, आप धीरे धीरे अभ्यास के तौर पर कर जाएंगे। हमारे कई साथियों ने कहा कि आपने रोगों की संख्या बहुत कम किया, तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि मैंने उन्हीं रोगों की चर्चा की है जो मेरे संपर्क में आए हैं। रिपोर्टरी में जहाँ आपको दिक्कत हो फ़ोन कॉल करके अपने रोगी का वीडियो कॉल हमसे करा सकते हैं, हमसे औषधि के संदर्भ में हमारी सलाह ले सकते हैं। बस ध्यान इतना रखिएगा कि सलाह लेते समय अगर रोगी आपके परिवार का नहीं है, बाहरी है, तो मेरी जो कंसल्ट फीस है, परामर्श शुल्क जो 200 रुपये है, वो आप ज़रूर उससे लेकर के मेरे अकाउंट में भेज दें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारी पुस्तक नहीं मंगवाई है उनको इसकी आवश्यकता पड़ रही है तो वो हमारे फ़ोन पे नंबर 9450563748 पर या हमारे पेटीएम नंबर 790
5882569 पर पेमेंट करके 1350 रुपये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए और हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए 1650। अगर आप दोनों बुक मंगाना चाहते हैं तो 200 रुपये आपका पोस्टल चार्ज कम हो जाएगा, आप 2800 रुपये भेज करके ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने शुक्रवार के अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को यहीं पर इजाजत दीजिए। नमस्कार।